भाई मैं ना गूगल मैप के भरोसे आ रखा हूँ, और ये पता नहीं कहाँ किस गली में ले आया मेरे को ये। वो मेरी बाइक ना हल्की हल्की मिस भी पता नहीं क्यों मार रही है यार, मिस मार रही है हल्की हल्की। हो गए भाई बाइक स्टार्ट फाइनली 5 मिनट बाद, मगर ये हो क्या रहा है यार, इसको स्पार्क प्लग में दिक्कत आ रही है कोई इसकी। ये फिर गई, यहाँ बाइक वाला ढूंढना पड़ेगा भाई। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, मेरी ना बाइक थोड़ी ख़राब हो गई है, ये खड़ी बाइक। और भाई अभी मिस्त्री आ रहा है 10-15 मिनट में, उन अंकल ने फ़ोन करा है और ये रही शॉप उनकी, तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं फिर। भाई भी मिस्त्री भैया आ गए हैं, बाइक देख रहे हैं, इसका स्पार्क प्लग देख रहे हैं। तो भाई बाइक फाइनली हो गई है स्टार्ट, बाइक फाइनली हो गई है स्टार्ट। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद भाई। बहुत मुश्किल से इसका, वैसे दिक्कत कुछ नहीं थी, मेन वो कह रहे इसमें हवा भर गई थी, तो उसी का ही था ये सीन। तो भाई चलते, ठीक है अंकल जी। भाई बढ़िया, मज़ा आ गया, बच गए। उसने बस थोड़ा स्पार्क प्लग निकाला, स्पार्क प्लग तो ठीक था, और मेन बस वही था कि टंकी में ना अभी पेट्रोल भरवाया था, तो कह रहे कि ना हवा भर गई उस पर, तो फिर उन लग गया, अब ठीक हो गई। ये तो फिर उन लग गई दिक्कत। दिक्कत फिर होने लगी यार, जाना पड़ेगा उनके पास। बाइक ना स्टार्ट हो गई थी, फिर से बंद हो गई है। अब धक्का मार मार के लेके आया भाई इन भाई की दुकान में। अब वो कह रहे कि ना सर शायद गैस बन रही, पता नहीं पानी चला गया, कुछ नहीं पता, अभी वो करेंगे। प्यास लग रही, पहले पानी पी लेता हूँ यार। भाई पता नहीं क्या कर रहे हो, टंकी के साथ हवा भर रहे हो उसमें। तो भाई फाइनली जाके बाइक ठीक हो गई है, और भाई थैंक यू भाई उस भाई का यार जिसने बाइक ठीक करी, मैं तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। वैसे ये सारी चीज़ें ना किसी के भी साथ हो सकती है, ये सारी चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती है, तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि पैनिक मत हो बिल्कुल भी, बहुत आराम से कूल डाउन हो जाओ, ठीक है। क्योंकि सीन क्या है ना, बंदा जब घर से बहुत दूर होता है ना, अगर वो 5-10-15-20 किलोमीटर के आसपास है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर जब होता ना 150, 200, 400 किलोमीटर दूर, और जब ये दिक्कत आ जाती है ना बाइक पे कि भाई कुछ हो ही नहीं पा रहा, तब भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो सबसे पहले तो भाई कूल डाउन रहो, अपने घर में बताओ कि भाई घर में ऐसा ऐसा हो गया है, और अपने घर में सबसे पहले लाइव लोकेशन भेज दो, जो कि मैंने करी। पापा ने सीधा बोला भाई लाइव लोकेशन भेज दें, सबसे पहले लाइव लोकेशन भेज दो अपनी, कि भाई घर वालों को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो और कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम, ये सब चीज़ें सेफ्टी के लिए अपनी। फिर ढूंढो तुम बंदे जो कि हो बाइक स्पेशलिस्ट या जो भी हो मैकेनिक हो, फिर आराम से काम करो, और बिल्कुल भी ऐसे पैनिक मत हो। जितना पैनिक होगे ना उतना ही तुम्हारा दिमाग भी ख़राब होगा, और सामने वाले को मतलब और ज़्यादा वो मोटिवेशन मिल जाएगी कि भाई इसको काटो या कुछ भी चीज़ है। क्योंकि ये बंदा तो बहुत अच्छा था, मगर हर कोई अच्छा नहीं होता ना बंदा दुनिया में, इसलिए। भाई कहाँ फंस गया है सर, दिल्ली के लिए कहाँ होगा रास्ता? सर दिल्ली के लिए रास्ता कहाँ होगा? दिल्ली दिल्ली इस तरफ से यहाँ से इस तरफ जाना है ना, एक ही चौराहा पड़ेगा, चौराहा तो कहीं अपने हो गया, एक चौराहा पार करने के बाद अगली रात। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। और भाई थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रोड है ये, मैप भी दिखा रहा है, बट मैंने सोचा कि एक बार कंफर्म कर लूँ, कहीं फिर से साला रोडों पे ना पहुँचा दे गलियों में, मैं नहीं फंसना चाह रहा इस बार गलियों में। मगर वो चीज़ ना, वो चीज़ एक तरह से ठीक भी हुई, क्योंकि अगर मैं हाईवे पे होता और ये दिक्कत आती तो भाई हाईवे पे दूर दूर तक कोई बंदा नहीं होता भाई, और मैं फंसा बिल्कुल कॉलोनियों में,
तो उससे एक चीज़ हो गई भाई, जो मेरी बाइक में दिक्कत थी ना, वो मतलब बहुत पास ही मिल गया मेरे को मैकेनिक, 500-600 मीटर की दूरी पे मिल गया भाई, सही हो गया। चलो कोई नहीं, हर हर महादेव। सारी कठिनाइयाँ मुश्किलें तो आती रहती है सामने, बाकी बस वही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी। तो चलो भाई, जो टाइम था 6:30 वो हो चुका है 8:30, मतलब मैं कम से कम 1.5 घंटा तो मैं रुका ही रुका हूँ भाई, बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब है 155 किलोमीटर, 3 घंटे 28 मिनट है लोकेशन, जो रास्ता है 3 घंटे 28 मिनट दूर है मेरा घर। तो चलते हैं अभी फिर। तो भाई अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है और मैं पहुंचा हूँ शिव टूरिस्ट ढाबा पे, और हल्की हल्की नींद आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा चाय वाय नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और यहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है। तो भाई अभी आ गया है मेरा खाना, ये है पनीर ग्रिल सैंडविच और एक चाय, और पीते हैं और फिर आगे चलते हैं फटाफट, क्योंकि घर पहुँचना है जितनी जल्दी हो सके। तो भाई अभी हमने खा लिया है खाना, मतलब खाना क्या, थोड़ा चाय हल्का फुल्का सैंडविच खाया था, और अगर मैं सच बताऊं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये बहुत ही एवरेज था, सैंडविच भी और चाय भी, मतलब चाय इतनी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, बट इनके जो प्राइस है ना, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। 190 में इन्होंने चाय दी और सैंडविच दिया, तो मुझे लगा कि यार क्वालिटी अच्छी होगी, बट एवरेज क्वालिटी थी, देखो बुरी भी नहीं थी, बुरा भी नहीं कहूँगा, एवरेज क्वालिटी थी। तो अभी है भाई 114 किलोमीटर और सामने हल्का हल्का देखो सनसेट भी हो रहा है, और यहाँ आ गया टोल, ये टोल है कौन सा मुझे नहीं पता। ये है भाई, मैंने अभी तक चला ली है 250 किलोमीटर करीब, हाँ ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चला ली मैंने, बट मेरे को ना ऐसे थकान टाइप की कुछ फील नहीं हो रहा कि यार की हालत ख़राब हो रही है या हो नहीं पाएगा, मैं सब बढ़िया चल रहा है, देखो लकड़ियाँ जा रही है, सब बढ़िया है भाई, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई दिक्कत हो रही है। ये शायद मेरठ या मुरादाबाद समथिंग काइंड ऑफ टोल होगा, मुझे नहीं यार, मुझे पता नहीं बिल्कुल भी। और भाई चलो, तो भाई हापुड़ है 37 किलोमीटर, सियाना है 19, मेरठ है 49 किलोमीटर मेरठ है, और 114 किलोमीटर है हमारा घर, पहुँच जाएंगे राम राम से, 9:07 दिखा रहे हैं, आराम से पहुँचेंगे, 9:15-9:30 तक पहुँचेंगे आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेज़ चलानी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे बाइक चलानी है। कहाँ 6:30 आने वाला था, कहाँ 9:30 आने वाला, पूरे 3 घंटे बर्बाद हो गए सिर्फ और सिर्फ उसके चक्कर में, बाइक के चक्कर में, बट कोई नहीं, सब चीज़ें, सारी चीज़ें हो जाती है वैसे तो सफ़र में, अगर चलोगे ना, अगर आप कहीं भी जाओगे तो ये सारी चीज़ों का आपको सामना तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सही सही जाओ, बिल्कुल ही सही सही आओ, बस वही है कि भाई अपनी पूरी कोशिश करो कि भाई सही जाओ और सही आओ, इसलिए मैं ज़्यादा तेज बाइक चलाता नहीं हूँ ताकि सेफ पहुँचूँ मैं, और बाकी ये सारी चीज़ें तो आराम से शॉर्ट आउट शॉर्ट हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाइक ख़राब होएगी तो बाइक ठीक भी तो होएगी, कोई दिक्कत नहीं, बस वही है कि अब तुम चलाओ तो धीरे धीरे चलाओ, आराम से मज़े में चलाओ, राइड करो मज़े में राइड करो, जितना तेज़ आप बाइक भगाओगे ना उतना ही ज़्यादा आप थकोगे, और उतना ही ज़्यादा मतलब, क्योंकि तेज़ बाइक ना ज़्यादा टाइम तक नहीं भगा पाओगे आप, ये है, क्योंकि आपको जाना 200, 250, 300, 400 किलोमीटर, तो तेज़ बाइक कितना देर कर लोगे ना, आपके इंजन में भी लोड पड़ेगा और फिर आप में भी लोड पड़ेगा, आपके शोल्डर में भी लोड पड़ेगा अगर आप तेज़ बाइक चलाओ, बिल्कुल धीरे धीरे चलाते रहो, मौसम का मज़ा लेते रहो, देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बढ़िया मौसम हो रखा है भाई, मैं जब
उत्तराखंड में था तब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अब मैं यहाँ आ गया तो अब यहाँ भी थोड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, तो थैंक्स टू मी भाई, मेरी वजह से हो रहा है सब ये। मैंने ही बोला था बारिश खराब क्योंकि मैं आ रहा हूँ उधर, तो इन्हें कमेंट में थैंक यू लिख देना भाई कि मैंने बारिश करवा दी है। और टेंशन ना लो, अब मैं धीरे धीरे बोल रखा है मैंने, धीरे धीरे गर्मी कम हो जाएगी। शिवा ढाबा बहुत बेकार है, शिवा ढाबा अभी आया हूँ मैं शिवा ढाबा से, बहुत बेकार, मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चलो भाई चलते हैं सीधा घर और अब देखते कहाँ मिलते हैं। अरे ठीक है भाई, क्या हो गया, क्या हो गया पढ़ावा, दुख हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा, सिलेंडर लेके जा रहे हैं भाई। देखो यार क्या सीन बन रहा है यार, मज़ा आ गया, क्या सीन बन रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का रोशनी टाइप की आ रही है, मस्त मज़ेदार जहर एकदम। चलो हर हर महादेव। भाई मेरे जीवन में ना एक मुसीबत नहीं है, अभी बाइक ठीक हुई थी और अभी ना बाइक के आगे के ना टायर के जो बैरिंग होते ना वो ख़राब हो गए, वो कह रहा भाई, और टायर ना बिल्कुल ऐसे ऐसे लैग कर रहा, बिल्कुल बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ना मैं 10 की स्पीड में चला के लाया हूँ, कम से कम 10-12 किलोमीटर, और फाइनली एक दुकान मिली भाई। कोई नहीं, भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे 11 बजे पहुँचेंगे, मगर पहुँचेंगे हर हर महादेव। तो भाई टायर ये रहा और वो भाई गया है अभी बैरिंग लेने के लिए आगे वाले टायर। तो भाई अभी भाई ठीक कर रहा है, बैरिंग लगा रहा है इसमें, तो भाई अभी का कुछ सीन ऐसा है कि मेरे जो बाइक का टायर है उसकी बैरिंग टूट गई थी, अब वो पता नहीं कैसे टूटी, एकदम मैं चला रहा था 60-70 की स्पीड में, तो एकदम खस, बिल्कुल एकदम बाइक ना रुकने का होता ना, बिल्कुल रुकने का ही हो गया, जैसे जिस किसी ने ब्रेक मार दी ना, तो शुक्र मनाओ भाई कोई आ नहीं रहा था पीछे से। तो भाई अभी दिखाया तो भाई वो कह रहे कि बैरिंग गई है यार इसकी, तो फिर बैरिंग ठीक कराई, बैरिंग ठीक कराने का वो तो चलो छोड़ो, किस्मत अच्छी थी जो मिल गए। 10-12 किलोमीटर मैंने 10 की स्पीड में चलाई है भाई, मुझे पता है कम से कम 1 से 1.5 घंटा ना मैंने बिल्कुल धीरे धीरे चलाता गया, मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने कहा छोड़ भाई बाहर में जाए पहले बाइक ठीक कराओ। बाकी भाई अब थोड़ा ठीक हो गई है बाइक, तो जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, हर हर महादेव। जीवन में ये सारी परेशानियाँ आती रहती हैं हमेशा, ये वही वाला सीन है जैसे ये बाइक चल रही है रोड पर तो इसमें दिक्कत आती रहेगी भाई। एक दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है फिर से बाइक में दिक्कत आ गई है, और वही वाली दिक्कत आई है जो मुरादाबाद के उधर आई थी ना, जो बाइक बंद हो जा रही थी, वही दिक्कत आ रही है फिर से। यहाँ खड़ी कर रखी है भाई बाइक, दिल्ली में हूँ मैं अभी, देखो क्या होता है, देखो भाई भाई यार पूरी बाइक खोलनी पड़ गई है, इतने मुश्किल हो गया, ये पूरी वायर खुल रही है भाई इसकी तरीके से। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं आ चुका हूँ अपने घर में। भाई मेरे बाइक की ना वायरिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वायरिंग जैसे हट जा रही थी ना तो मेरी बाइक बंद हो जा रही थी, और वायरिंग जब लग जा रही थी तो मेरी बाइक मतलब चालू हो जा रही थी, तो वायरिंग में कोई दिक्कत थी, तो भैया वो थोड़ा शॉर्ट हो गया वायरिंग की दिक्कत। और भाई आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा भाई, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया बिल्कुल भी। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।